बहुत बहुत तमाम चीजें आप लोगों ने सुना है, बिल्कुल आदरणीय संत द्विवेदी की ओर से बहुत कम समय में कहने लगी, मैं कुछ कहूंगा नहीं। अभी आपने कहा कि आपने कह दिया कि घबराती क्यों है, तो मुझे मैंने सोचा भाई मोबाइल में मिलाओ डॉक्टर साहब को, घबराहट ना हो जाए। और क्या, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसलिए कह दिया था कि आप प्रश्न भी गा रही हैं, जो उत्तर बन रहा है वो भी उसमें समेट देती हैं। अपना गाइए और क्या, कोई जवाब दे उसको भी गा रही है ताकि जवाब ना आए। बिल्कुल, तोता गाया कौवा भी कह दिया। मैंने इस बात पे कहा कि आपको घबराने वाली बात थोड़ी है, आज तोता ही कौवा वाली बात होगी पूरी। और फिर आप काहे घबराएंगे, यहाँ कोई तोप पम चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, और कीर्तन नौ प्रकार की भक्ति में नौधा भक्ति में एक कीर्तन गाना ही भक्ति है, सुनना ही भक्ति है, तो भक्ति हो रही भगवान की उसमें, बस चूंकि ये एक शास्त्रार्थ है बस, और कुछ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है ना। लेकिन हाँ, किसको कितना ज्ञान है, प्रतियोगिता रखा गया है, बिल्कुल। बाकी आप ना हमारी दुश्मन है, हमारे जैसे तमाम कलाकार आपको मिलते हैं, आप जैसे हमको भी मिल जाते हैं कभी कभार, महान कलाकार है, हम जैसे तो घूमा ही करते हैं। मोबाइल से सारा काम हो रहा है यार। आपने एक बात और कहा कि आपका स्वभाव ही बदल गया। हाँ। पहले चक्र में कुछ आप अच्छे लगे। हाँ। और दूसरे चक्र में आपका स्वभाव ही बदल गया। हाँ। रंग देखो वैसे है जैसे था। स्वभाव बदलने का मतलब, हाँ, उन्हीं पत्थरों को उठा उठा के मैंने घर बना लिया। हाय हाय, भट्ठा सारे बंद करवाने कहना है कि छायादार पेड़ जमाने के काम आए, छायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूख जाए तो जलाने के काम आए, तो तलवार की म्यान को वैसे न फेंकिए, हो सकता है दुश्मन को डराने के काम आए, हो सकता है। कहना है क्या कि तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, और हमें गम उठाने की आदत पड़ी है, और छिड़क कर, कल्पना जी, छिड़क कर नमक मेरे घाव में देखो, छिड़क कर नमक मेरे घाव पे देखो, अरे हमें मुस्कुराने की आदत पड़ी है। 12 बजे मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ। आपने कह दिया एक बात और, 12 बजे बजे बहुत बढ़िया। अरे नोटबंदी, और नोटबंदी की तब, और देखो 12 बजे टोक नहीं रहा हूं कुछ ना, बस एक लाइन उसमें गलत थी, नोटबंदी 8 सितंबर को 8 बजे नोटबंदी की घोषणा हुई। ये धन्यवाद है, बज रहे थे इस पुष्टि के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या, बस ये लाइन गलत थी आपके गीत में, बाकी आपने जो कहा ठीक है। हाँ। आप लोग समझ रहे हैं, हमें कुछ टोकना नहीं है। हाँ। नोटबंदी वाली लाइन काटो, 8 सितंबर, लेकिन नोटबंदी 8 सितंबर को 8 बजे से घोषणा हुई। 8 सितंबर 2016 रात 8 बजे 12 बजे नहीं, प्रमाणित बात करो। और एक गीत हमने आपको दिया था, कोई बात नहीं, जो है बहुत अच्छा है। चूंकि जहां पर विद्वान श्रोता हो, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर टोका टिप्पणी करना ना गलत है, सब लोग समझ रहे हैं। हाँ।
क्या मैं कह रहा हूँ? हाँ, क्या आप कह रही हैं? हाँ, सुनेगा सुनेगा। चचा परेशान ना हो, 8 बजे है तो है। अरे तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊं, अरे तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, और बिन देखे दुनिया तुझको दिखलाऊंगा। तो क्या है, एक पर्वत है और पर्वत पर एक मंदिर है, ये आपने कहा है। अरे वो क्या है, एक मंदिर है और मंदिर में एक मूरत है, और वो मूरत कैसी होती है? तो जवाब आया कि तेरे सूरत जैसी होती है। भगवान पूछ रहे हैं माँ से, अरे वो क्या है? माँ ने कहा नभ मंडल है, नभ मंडल में एक चंदा है, अरे वो चंदा कैसा होता है? तो मेरे लाल चंद जैसा होता है, ये आपका सवाल गीत है। सुनेगा सुनेगा। इस चक्कर में हम चंदा ही गाने वाले थे, बिल्कुल उसमें ये भी चंदा लगा था, और जो मैं जवाब देने जा रहा हूँ वो भी चंदा उसमें लगा। सुनिए सुनेगा। भगवान राम ने भी चंद्रमा को मैया से मांगा। आदरणीय जन समुदाय, भगवान राम ने भी चंद्रमा मांगा माता कौशल्या से, माँ मुझे चंद्रमा ला दे। अरे ऐसे वैसे बहकावो ना हे मैया, अरे से बहकाओ ना हे मैया, और कौशल्या माता से बोले रघुरैया। अरे वो क्या है, माँ ने कहा वही बात, अरे नभ मंडल है, आकाश मंडल, थोड़ा सा बताए आकाश मंडल और क्या, बनभूत मंडल बहुत है, देव मंडल, शोभ मंडल, संभा मंडल, लायन मंडल, अरे वो क्या है? माँ ने कहा अरे नभ मंडल है, तो नभ मंडल में एक चंदा है, अरे वो चंदा कैसा होता है? तो माँ ने कहा कि मेरे रामचंद्र जैसा होता है। धन्यवाद है, बहुत बढ़िया। लालचंद इधर, रामचंद्र, रामचंद्र परमहंस, मेरे रामचंद्र जैसा होता है, तो वो क्या है? ये हमारी